हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी अगेन आपके सामने जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 94 पार्ट सी का क्वेश्चन है, जो कि जून 2019 में बुकलेट कोड ए में पूछा गया था। फ्रेंड, इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द जनरल सोल्यूशन जेड इज इक्वल टू जेड एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू जेड इंटू जेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू जेड जेड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कामा एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर आर्बिट्रेरी सी वन फंक्शन एफ। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड गिवन है, फोर्थ गिवन है। चलिए फ्रेंड, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाई लाग्रेंज मेथड से। बाई लाग्रेंज मेथड, लाग्रेंज मेथड हमारा क्या है? कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्व टू कैपिटल आर, वेयर पी इज इक्व टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इज इक्व टू डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड आर इज इक्व टू, यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो गिवन है एक्स प्लस वाई इंटू जेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई जेड इंटू जेड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करेंगे इक्वेशन इसको और इसको, तो यहाँ से कैपिटल पी इज इक्वल टू, यहाँ से कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू जेड, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल पी क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर, सारी की सारी वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देंगे। डी एक्स अपॉन P की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन, क्यू की वैल्यू तो ये है इसमें ये लिखा जाएगा x माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको फर्स्ट दे देते हैं नाम, इसको सेकेंड डिलीट कर लेंगे, इसको थर्ड डिलीट करेंगे, और यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई, चलो करते हैं देखते हैं क्या मिलता है। इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें वाई से, फिर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, यहाँ से क्या मिलेगा हमको x, इसमें x से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अभी जेड को बाहर लिखेंगे, माइनस माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। यहाँ से एक्स वाई गायब, इसको फोर्थ नाम दे देते हैं, इस वी लेट
वी टेक थर्ड एंड फोर्थ, देन वी सॉल्व क्या मिलेगा हमें, डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। इसको ये तो हमारा थर्ड रहा, ये हमारा फोर्थ है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, दैट मीन्स बोथ साइड कैंसल्ड। डी जेड अपॉन वन इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन जेड। इसको इस साइड ले आएंगे, जेड डी जेड इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। इसको हम इस साइड ले आएंगे, इसको उस साइड चलो भेज देते हैं, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जेड डी जेड। चलिए इंटीग्रेट कर लेंगे, कितना आएगा एक्स डी एक्स का, एक्स का कितना होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू समझ लो कॉमन ले लिया गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टू सी वन, दैट मीन्स हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई टू किया है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी वन को हमने नाम दे दिया सी वन डैश। कॉन्स्टेंट है, टू से मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉन्स्टेंट ही आएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको सी वन डैश नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन फिर से वही चीज लिखेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें वाई से मल्टीप्लाई, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाई वाई से, वाई डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाई एक्स से, देन बी एड प्लस एक्स डी वाई अपॉन। अब इसमें जो है हमें डी एक्स में वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू जेड। एक्स वाई से एक्स वाई गायब, इसको फिर से थर्ड हो गया, इसको फिर से हमने फोर्थ लेट कर लिया, फिर से सॉल्व कर लिया भाई थर्ड एंड फोर्थ। डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गायब हो गया, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, जेड डी जेड इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, जेड का जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई इंटीग्रेशन डी एक्स वाई लिख सकते हैं प्लस सी टू।
यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन गायब एक्स वाई प्लस सी टू। यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस टू सी टू। दिस इम्प्लाइज दैट जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको हमने नया नाम दे दिया सी टू डैश। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हम सोल्यूशन लिखना जानते हैं, एफ ऑफ सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो होता है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ सी वन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कमा सी टू की वैल्यू क्या है, मीन्स सी वन डैश सी टू डैश, इसकी वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। फ्रेंड यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए अब हम ऑप्शन पे चले आते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो हमारा आया है। फ्रेंड चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहा था, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि एफ ऑफ एक्स एक्स सी वन की वैल्यू, दैट मीन्स कहता है कि सी वन डैश की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आया है। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कामा जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यस फर्स्ट ऑप्शन कहता है रॉन्ग है, यस आप रॉन्ग हो। सेकेंड जो है ट्रू स्टेटमेंट है, थर्ड भी रॉन्ग है और फोर्थ भी रॉन्ग है। आप किसी भी तरीके से इसको बना के सी वन की वैल्यू नहीं ला सकते, ना तो सी टू की ये ला सकते, ना तो सी वन की है ना तो सी टू की है। सिमिलरली ना तो आप सी वन की ये ला सकते हो बना के, ना तो सी टू की ये ला सकते हो, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा ट्रू ऑप्शन है। 4.75 मार्क में पूछा गया था फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।